नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम विश्व कप के हारी। यूपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की फजीहत करा डाली और भाजपा तथा उनके समर्थक साधु संतों को देखिए जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उनका मुंह नोचने लगते हैं, वह सब भाजपा विधायक के हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर उठाए गए सवाल पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब हरदोई के गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, आज हर भारतीय ने भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवता गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भाजपा भारत में देवी देवता या भगवान होते और उनके बस में कुछ होता तो क्या वह पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते? कहां गए आज के भगवान? धाम वाले यानी बीच में डॉट डॉट। अब आइए आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल यूपी के हरदोई में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने इस बार हिंदुओं की आस्था पर हमला कर हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। रविवार को अहमदाबाद में भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित होने के बाद भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि भारतीय टीम की जीत के लिए देवी देवता गुरु भगवान से दुआ मांगी गई। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते और उनके बस में कुछ होता तो पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते? भाजपा विधायक के हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाने को लेकर लोगों द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया देने के बाद भाजपा विधायक ने यह पोस्ट हटा दी है। लेकिन एक फेसबुक यूजर ने उनके इस पोस्ट को अपनी फेसबुक वॉल पर साझा किया है, जिस पर लोग बीजेपी विधायक की खिंचाई करने में जुटे हैं। हरदोई जिले की गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कविता लिखकर तो कभी अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने लिखा है कि आज भारतीय ने भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवता गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते और उनके बस में कुछ होता तो क्या वह पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते? कहां गए आज के भगवान? डॉट डॉट डॉट। धाम वाले। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश की इस पोस्ट के सामने आने के बाद उनके फेसबुक वॉल पर तमाम लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसके कुछ ही समय बाद भाजपा विधायक ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट हटा ली है। लेकिन इस दौरान अंकित वाजपेयी नाम के एक फेसबुक यूजर ने भाजपा विधायक की इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेसबुक आईडी पर साझा किया है। बीजेपी विधायक के हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने को लेकर लोग तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भाजपा विधायक की खिंचाई कर रहे हैं। अभी तक सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी सामने आती रही है, लेकिन भाजपा विधायक के हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि श्याम प्रकाश बसपा और सपा से भी विधायक रह चुके हैं। ऐसे में श्याम प्रकाश के बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा की राह उनके बीजेपी विधायक ही मुश्किल करने में जुटे हैं। भाजपा विधायक का यह बयान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी विधायक की जमकर खिंचाई हो रही है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो वह कुछ भी बोलने से मना कर दिए। बीजेपी विधायक के कुछ समर्थक यह जरूर कह रहे हैं कि उनके विधायक ने हिंदू देवी देवताओं पर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि अपने को भगवान बताने वाले बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इशारा है।
फिलहाल यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के विधायक रहते हुए सीतापुर के सदर विधायक राकेश राठौर ने तो मोदी योगी को लेकर न जाने कितना कुछ कहा, लेकिन भाजपा कोई कार्रवाई करने के बजाय सब कुछ सहती रही। अब देखना होगा भाजपा विधायक श्याम प्रकाश मामले में भी भाजपा सहेगी या कुछ करेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।